लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहा बिल, चीफ इंजीनियर हुए नाराज। बिलिंग एजेंसियों को भुगतान रोकने की तैयारी। हजारों बिजली उपभोक्ताओं के यहां समय से बिजली का बिल नहीं पहुंच पा रहा है। लोग उपकेंद्रों व खंड कार्यालयों पर पहुंचकर इसकी शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया जा रहा है। उधर जब से ओटीएस योजना की शुरुआत हुई है, इन उपभोक्ताओं के यहाँ मनमानी बिल भेज दिया जा रहा है। वहीं कई तो ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके मीटर भी खराब है, उसके बावजूद भी उनकी रीडिंग आधारित बिल भेजी जा रही। इन उपभोक्ताओं की शिकायत है कि जब मीटर ही खराब है तो किस आधार पर बिल भेजा गया। ग्रामीण एरिया में 30% उपभोक्ताओं के घर नहीं पहुंच रहा बिल। उपभोक्ताओं के इन सवालों का बिजली विभाग के अभियंताओं के पास जवाब नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा शिकायतें शहरी क्षेत्र में तो गनीमत है, लेकिन ग्रामीण एरिया में 30% ऐसे घरेलू उपभोक्ता हैं जिनके घर बिजली नहीं पहुंचती। यही हाल 5 से 9 किलोमीटर वाले उपभोक्ताओं की भी है। उनके यहाँ भी बिजली समय से नहीं पहुंचने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे देनदानी बढ़ने के साथ ही ब्याज देने की अतिरिक्त जिम्मेदारी उपभोक्ताओं पर बढ़ती जा रही है। वाराणसी जोन के चीफ इंजीनियर एपी शुक्ला बिलिंग एजेंसियों के इस रवैये से नाराज है। पत्रकार के साथ ही उनका भी भुगतान रोकने की तैयारी में है। वाराणसी में 5-4 किलोवाट तक मैसर्स एस्टलेरिंग व 5 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को मैसर्स इन्वेटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बिलिंग करती है।